जब पहला गाना हो चाहे पहला प्यार हो, हर इंसान के लाइफ में इम्पोर्टेंट होता है। और ये मेरा पहला सॉन्ग था जो एज ए एक्टर मैंने इसमें काम किया और एज ए प्रोड्यूसर भी मैंने इसमें काम किया है। और मेरा गाना जो लिरिक्स थे और जो सिंगर दोनों ही बड़े जिनके साथ मुझे काम करने का मौका मिला, और मेरे गाने को व्यूज इतना जल्दी, मतलब एक सप्ताह भी पूरा नहीं हुआ उससे पहले 1 मिलियन क्रॉस कर लिया, तो मेरे लिए तो बहुत खुशी की बात है कि मेरा पहला गाना हिट हो गया। और जो सिंगर थे देव नेगी जी, जो हमेशा ही अच्छे अच्छे गाने दिए हैं, और लिरिक्स कुमार जी का है और म्यूजिक असलम की का है, तो खुशी की बात है। बहुत अच्छा गाना आप लोगों ने प्यार इतना प्यार दिया, इतना सपोर्ट किया, और हर जगह चाहे MTV में के शो में हो, चाहे रील्स बनाए लोगों ने इंस्टाग्राम, हर जगह जहाँ भी देखो सिर्फ एटीट्यूड ही एटीट्यूड दिख रहा था। तो बहुत अच्छी, अंदर से एक फील होता है ना कि यार नहीं, मैंने ये किया, मेरा गाना बहुत अच्छा चल रहा है। तो जब आपने ये सॉन्ग किया है, उस समय कोविड भी था, कोविड को देखते हुए आप लोग कितना ध्यान दिए थे, टीम के द्वारा कितना ध्यान सेफ्टी के साथ आपने इस गाने को शूट किया? जी जी बिल्कुल, देखो कोविड जब हमने शूट किया था, कोविड महामारी तो थी हर जगह, और ये हमने शूट दुबई में किया था, और हमारी टीम ज़्यादा बड़ी टीम नहीं थी वहाँ पे, क्योंकि यहाँ से हम सिर्फ मेरे आर्टिस्ट लोग गए थे, डायरेक्टर आर्टिस्ट हम गए थे, और बाकी टीम दुबई से थी। तो हर तरीके से हमने फॉलो किया है, क्योंकि वहाँ अपने इंडिया से ज़्यादा दुबई की गवर्नमेंट खतरनाक होती है। वहाँ पे अगर एक चालान भी कटता, छोटा सा चालान कटेगा, तो यहाँ तो 150 रुपये का चालान कट जाता है, वहाँ पे 60,000 रुपये का चालान कटता बिना मार्क्स। तो इतना पैसा भी नहीं था, इतना बजट भी नहीं था, तो हमें अपने आप ही मार्क्स दो दो तीन दिन लगा लेते थे। तो ध्यान रखा हर चीज़ का हमने। तो आपने अभी जैसे कहा कि वहाँ दुबई में ज़्यादा स्ट्रिक्ट थी वहाँ की गवर्नमेंट, तो क्या यहाँ की भी गवर्नमेंट को इतना स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा कि लोग मास्क लगाए कोविड से बचने के लिए? देखो गवर्नमेंट अपना फर्ज निभाती है, गवर्नमेंट हमेशा ये कहती है कि हमारे देश की जनता सुख किससे रहे, शांति से रहे, उनको किसी प्रकार की बीमारी नहीं हो। गवर्नमेंट कितना कुछ करेगी ये तो हमें खुद को रखना है, कि बीमारी हमें होती है, गवर्नमेंट को थोड़ी बीमारी होती है। डॉक्टर के पास हम जाएंगे, हॉस्पिटल हम जाएंगे, इंजेक्शन हमें लगेंगे, तो दर्द तो हमें होगा ना। तो ये तो इंसान को खुद को ध्यान रखना चाहिए, अपना शरीर का, अपने परिवार का, अपने फैमिली का, तभी ही ऐसी बीमारियों से हम बच सकते हैं, और हर तरीके से बच सकते हैं, क्योंकि खुद की सेफ्टी खुद की होती है। और कोविड महामारी के बीच किस तरह से आपने जनता के लिए वर्क किया, क्या लगता है उस समय जरूरत थी जनता को? आप उस टाइम, आप एक स्टार हैं, एक आप एक सोशल वर्कर की तरह भी काम करते हैं, तो कोविड के दौरान आपने किस तरह से एज अ फर्ज अपना एक समाज सेवक के रूप में निभाया आपने? जी बिल्कुल, देखो आपने देखा भी होगा, और मैंने ज़्यादा कोई सोशल मीडिया के अंदर मैंने ज़्यादा प्रचार प्रमोशन भी नहीं किया था। मेरे से जितना हुआ, जितना मेरे पास था, मैंने लोगों की हेल्प की। मैं मंदिर के बाहर जाता था, वहाँ पे जो लोग बैठे रहते थे उनको राशन भी मैं देता था, उनको पूछता था कि आपको किस चीज़ की ज़रूरत है, अगर उनको मेडिकल भी ज़रूरत भी होती तो मैं, मेरे जितना था मेरे पास, मैं चाहे 100 रुपये दो चाहे 50 रुपये दे दो, उनको मैं देके आता था, और हर तरीके से मैंने हेल्प की। और मैंने कभी ये नहीं कहा कि मैं हेल्प कर रहा हूँ आप भी करो, वो करो, जिसके पास कुछ है तो हेल्प करो, और ज़रूरी है, क्योंकि जिस प्रकार लॉकडाउन के अंदर लोगों के पास काम नहीं था, आज मैं अगर जयपुर से आकर यहाँ मुंबई में रह रहा हूँ, मेरे पास भी काम नहीं था, लेकिन मेरे पास इतना, मेरे पास घर में इतनी चीज़ पड़ी थी कि मेरी अगर 2 रोटी है तो मैं चाहता हूँ कि यार नहीं, आधी रोटी बाहर जो व्यक्ति है उसको भी दे के आओ, क्योंकि उसके पास कुछ भी नहीं है। तो बिल्कुल ये सबका फर्ज होता है, जो मैंने भी अपना फर्ज निभाया एज ए एक्टर, एज ए सोशल वर्कर हो, ये तो एक टेग लग जाता हम लोगों के ऊपर। लेकिन सबसे पहले बात यह है कि हम एक इंसान हैं, एक इंसान ही एक इंसान के काम आता है। करनी सेना की तरफ से एक लेटर सामने आया है जिसमें ये कहा गया है कि आप करनी सेना के कोई सदस्य नहीं है और करनी सेना के नाम पर ही आप बॉलीवुड इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, इस बात में कितनी सच्चाई है? देखिए करनी सेना का मैं सदस्य हूँ या नहीं हूँ ये तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को पता होता है, क्योंकि जो लोग ये सोशल मीडिया पर डालते रहते हैं पोस्ट, तो उन्होंने तो मुझे चुना नहीं, उन्होंने मुझे कभी सदस्यता ग्रहण करवाई नहीं, ये बातें हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को पता है। ये जब लेटर आया था तो मैंने भी इस लेटर को देखा था, और यहाँ के जो महाराष्ट्र के प्रदेश अध्यक्ष हैं
अर्जुन सिंह ठाकुर, उनसे भी मेरी बात हुई थी, तो उन्होंने मुझे कहा था कि सुरजीत भाई ये सेरा पुरोहित कौन है हम पता करते हैं, और ये जो लेटर दिया है तो हम इस पर चर्चा करते हैं और हम बात करेंगे इसके लिए क्यों क्यों दिया, क्या रीज़न है। तो मैंने भी ये बता रखा है, और जीवन सिंह सोलंकी है जो यहाँ महाराष्ट्र शहर प्रदेश अध्यक्ष है, उनको भी मैंने ये फॉरवर्ड किया था लेटर, भाई ये कौन है, ऐसा क्यों कर रहा है। देखिए, ये करने से कुछ नहीं होता, लोगों को पता है, करने से ना कि जितने पदाधिकारी उनको पता है कि सुरजीत राठौड़ कौन है। और दूसरी बात ये है कि लोग कहते हैं कि सुरजीत राठौर इंडस्ट्री में रहता है तो करणी सेना के नाम से काम मिलता है, यहाँ करणी सेना के नाम से बीजेपी कांग्रेस किसी भी दल के नाम से काम नहीं मिलता। क्या है, क्यों किसी के हम गुंडागर्दी कर दिखाना चाहते हैं कि गुंडागर्दी करना ही मैं तो करणी सेना से मुझे काम दो, नहीं। यहाँ आपका व्यवहार कैसा है, आपकी लाइजिंग कैसी है, आप कितना मतलब एग्रेसिव हो इस काम के लिए तभी आपको काम मिलता है, आपका टैलेंट है, आपकी मेहनत होती है, आपकी लगन है तो ही आपको काम मिलेगा। ये कोई वो फिल्म इंडस्ट्री ऐसी नहीं है कि करनी सेना के नाम से मुझे काम मिलेगा, कोई राजनीति में करने आया नहीं हूँ यहाँ पे, मुझे सिर्फ मेरा काम करना है, मेरा एक टारगेट है, मुझे मेरा काम करना है, मेरे परिवार, मेरे समाज, मेरे देश में ऐसा लगे कि हाँ एक सुरजीत राठौड़ है जिसने ये काम किया है। मीन्स आप करनी सेना से जुड़े हुए हैं? जी बिल्कुल, मैं करनी सेना से जुड़ा हूँ, मैं करनी सेना से जुड़ा हूँ, मैं जब श्री राजपूत करनी सेना थी तब से मैं उसका सदस्य हूँ, फिर श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना बनी तब भी उस तब से मैं जुड़ा हूँ, जब 2015 के अंदर सुखदेव सिंह जी गोगामेडी साहब ने ये करनी सेना बनाई थी तब से जुड़ा हूँ। हाल एक साल पहले मैं था चित्रपट करनी सेना अध्यक्ष, तो उस पद से मैंने रिजाइन दे दिया था, मैंने कहा नहीं मैं इस पद से रिजाइन दूंगा क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से किसी को प्रॉब्लम हो, तो मैं करनी सेना का सदस्य हूँ और हमेशा रहूंगा। तो जिस तरह से आपने बताया कि अर्जुन पुरोहित कौन है, यह बात महाराष्ट्र अध्यक्ष बोलते हैं करनी सेना के, मतलब क्या करनी सेना के सदस्य कोई पदाधिकारी नहीं है? ये जो सेरा पुरोहित जो है ये डाल रहा है सोशल मीडिया पे, इसका मतलब मुझे एक चीज समझ में नहीं आई, ये डाल रहा सुशांत के ये दोस्त नहीं है, सुशांत के वहाँ पे क्यों गए, ये करनी सेना का सदस्य नहीं। मैं ये कह रहा हूँ कि जब ये चीजें आप भी डाल रहे हैं, ये तो सबको पता है ना, जब सुशांत का मैटर हुआ था मैं उसी दिन से लेके सीबीआई तक मैंने अपनी आवाज़ उठाई, पूरी करनी सेना टीम ने आवाज़ उठाई, मैं कंटिन्यू सुखदेव सिंह जी गोगामेडी जी के कॉन्टेक्ट नंबर आऊँ, मैंने उनको बोला आप पटना जाएंगे, आप पटना उनके सुशांत के परिवार से आप मिल के आएंगे, जितने मेरे पदाधिकारी उन सबसे मैंने कॉन्टेक्ट किया, मैं कि नहीं आप इसको सपोर्ट करना है, इसको न्याय मिलना चाहिए उस परिवार को लिए। अभी पुराने वीडियो डाल रहे तो करनी सेना सदस्य नहीं, देखो पीआर टीम होते हैं, काफ़ी ऐसे भी लोग होते हैं, हर किसी अगेंस्ट भी होते हैं, तो वो डाल के सोशल मीडिया पे फैलाने से कोई मतलब नहीं होता। इस मामले मैंने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को मैंने बताया था, मैंने कहा ऐसा ऐसा चल रहा है, तो उन्होंने मुझे स्पष्ट कहा है कि मेरी मैंने कभी कहा नहीं कि सुरजीत राठौर करनी सैनिक नहीं है, मैंने कभी पोस्ट डाली नहीं है, आप निश्चित रहे, आप अपने काम पर ध्यान दीजिए और फालतू की बातों पर ध्यान मत दो, ये लोग जो करते हैं उनका काम है। अब कोविड का थर्ड वेव सामने है, आने वाला है, क्या आपने वैक्सीन ली है और लोगों से आपकी क्या अपील होगी कि हर किसी को वैक्सीन लेनी चाहिए, और कोरोना का कितना असर पड़ा है इस फिल्म इंडस्ट्रीज पे? देखिए कोरोना का फिल्म इंडस्ट्री में क्या हर प्रकार हर फील्ड के अंदर बहुत बड़ी मार है ये, और वैक्सीन मैंने खुद लगवाई, मेरा फर्स्ट डोज मैंने ले लिया, और ये ज़रूरी भी है क्योंकि काफ़ी लोग कहते हैं नहीं वैक्सीन हम नहीं लेंगे, क्यों नहीं लेंगे भाई, क्या होता है, अगर आपके अंदर कुछ एंटीबायोटिक में जा रहा है, कुछ लिक्विड जा रहा है तो आपके लिए ठीक है ना, उसमें कौन सा होता है कि डोज लगता है आपकी डेथ हो रही है, मर रहे हो, मरना तो वैसे ही मर जाएंगे, लेकिन आप एक बीमार होके फिर मरोगे वहाँ हॉस्पिटल में, जब इंजेक्शन लेंगे तभी लेना पड़ेगा, उसे अच्छा है लेना चाहिए। मैं तो यूथ को हमेशा ही कहता हूँ कि यार आप एक तो जो मोबाइल के ऊपर इतना बिजी रहते हो, उससे अच्छा है कि आप जिम जाया करो, योगा करो, जितना आप अपने बॉडी के अंदर धूप के अंदर आप जितना तपोगे आपकी किसी भी प्रकार की कोई बीमारी नहीं होगी, हमेशा ही ध्यान रखना चाहिए और वैक्सीन लेना ज़रूरी है, हमेशा के लिए कह रहा हूँ, अगर आपको कोविड से अपने परिवार को बचाना है, अपने रिश्तेदारों को बचाना है, अपने दोस्तों को बचाना है तो वैक्सीन लेना अनिवार्य है। अपकमिंग प्रोजेक्ट आपके और क्या है जो लाइनअप है जिनके अभी आप जल्दी जो लोगों के बीच आने के लिए तैयार हो? जी जी, मेरा एक अभी शॉर्ट मूवी आने वाली है दबंगई, जो अभी रिलीज पे है, अभी हम रिलीज करने वाले हैं, उसके बाद मेरे एक म्यूजिक एल्बम है, रोमांटिक म्यूजिक एल्बम है, बहुत अच्छा बहुत प्यारा है, वो भी रिलीज पे है अभी,
और उसके बाद में मैं एक बड़ी फिल्म बनाऊंगा जो माई कॉमरेड के नाम से है, और उसमें बड़े सीनियर आर्टिस्ट रहेंगे, बड़े बड़े लोग रहेंगे और डायरेक्टर भी बड़े रहेंगे, और काफ़ी हम एक्साइटेड हैं इस मूवी को लेके क्योंकि मेरे दिल के बहुत करीब ये मूवी है। आप देख रहे हैं सक्षम न्यूज़ इंडिया, सबसे पहले सबसे तेज़।